हरियाणा चुनाव का मतदान होने में एक महीने से भी कम का समय बचा है और आज प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। आज उनकी कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली होने वाली है, तो उससे पहले जनता का क्या मूड है, लोगों में क्या जोश है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री आएंगे और रैली में संबोधन करेंगे जनता को हरियाणा की, तो खासकर हरियाणा के लोगों को जो संदेश जाएगा वो इनसे जानेंगे कि आने वाले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज क्या गुरु मंत्र देकर जाएंगे और किस तरीके की इनकी तैयारियाँ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, क्या नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट राजेश सैनी, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चे के नाते काम कर रहा हूँ जी। और हमारे लिए बहुत उत्साह का दिन आज, हमारे क्या पूरे विश्व के नेता, जो जिनके एक आवाज़ पर पूरा विश्व खड़ा हो जाता है, ऐसे नेता जो हमारे आज कुरुक्षेत्र में श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनको देखने के लिए, उनकी रैली में जाने के लिए आज हमारे पूरे करनाल में, क्या पूरे हरियाणा जो नॉर्थ के जिले हैं उनमें बहुत उत्साह है जी। और विशेष तौर पर करनाल में से तो लगभग कई हजार लोग आज माननीय मोदी जी की रैली में जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 12 बजे हमारा यहाँ चलने का समय है और खूब कार्यकर्ता इकट्ठे होने लगे हैं। सर क्या लगता है इस बार हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस एक तरफ और भाजपा का कड़ा टक्कर है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी की किस तरीके की तैयारियाँ, क्या मानते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं। हमारी संगठनात्मक पार्टी है। आपने देखा कि जैसे ही कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसके कितने उम्मीदवारों ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर थी साथियों में, परंतु वो सब वापस आकर एक झंडे के नीचे एक मत होकर सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस ने जैसे विनेश फोगाट को टिकट दिया, क्या उससे कुछ माहौल बदला? देखो, हम सम्मान करते हैं विनेश फोगाट जी का बतौर खिलाड़ी, परंतु वो राजनीतिक मंच और राजनीतिक रण अलग चीज़ है। वहाँ मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट को लोग जिताएंगे, क्योंकि वहाँ बैरागी जी खड़े हैं, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग बहुत प्यार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ, अब जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बने हैं, सारा पूरा हरियाणा एक तरफ होकर उनकी तरफ देख रहा है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, तीसरी बार भाजपा की वापसी करना क्या इतिहास बन जाएगी या सरकार इस बार हरियाणा में बदल जाएगी? देखिए, आपके चैनल को सबसे पहले तो धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे करनाल, आपका स्वागत है। और आज धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में माननीय मोदी जी पहुँच रही हैं और आज करनाल में एक अलग सा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे दिवाली पे उत्साह होता है कि हर एक कार्यकर्ता में एक उत्साह है कि मोदी जी से आज वहाँ सुनने का मौका मिलेगा, पूरे विश्व के नेता हैं हमारे। और अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी ये इतिहास बनाने जा रही है कि तीसरी बार, कभी तीसरी बार रिपीट नहीं हुआ, लेकिन ये इतिहास बनेगा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत हासिल करेगी और माननीय नायब जी फिर से कमल खिलाने जा रहे हैं जी। सर तीसरी बार क्यों वापसी करेगी, क्या ऐसे काम सरकार ने किए जो हरियाणा को बहुत अच्छे लगे, जो तीसरी बार भी भाजपा है? देखिए, जो सबसे बड़ी जो मनोहर लाल जी की नीतियाँ थी, बिना खर्ची बिना पर्ची के हजारों बच्चे जिनके घर पे छत भी नहीं थी, ऐसे बच्चों को नौकरी मिली, उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिली। अगर मैं गरीबों की बात करूँ तो अगर 2014 की पहले की बात करूँ तो एक आदमी चाहे वो सड़क पर मर जाता था लेकिन उसको इलाज के पैसे नहीं होते थे। आज जो आयुष्मान कार्ड बनाया उसकी वजह से एक गरीब परिवार अपने बिना पैसे, हाँ बिल्कुल अच्छा इलाज हो रहा है। स्कूलों को इतना अच्छा कर दिया गया। अगर मैं घर देने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बात हो और सिलेंडर की बात हो, तो अभी नायब जी ने अभी 500 रुपये कम किया, एक गरीब के लिए कितनी बड़ी बात है। और वृद्धा पेंशन की बात करें, सम्मान, हम कहते हैं कि वृद्धों का सम्मान जो पहले सिर्फ 500 रुपये था 2014 पहले, और ये 3000 बढ़ा दिया गया, कि एक ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अगर गिनवाई जाए तो बहुत सारी, एक लंबी लिस्ट है। तो मैं आज सभी आपके चैनल के माध्यम से भी पूरी जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को फिर से कमल के सामने का बटन दबाएँ और भाजपा को विजयी बनाएँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर जो हुड्डा जी के समर्थक हैं या जो कांग्रेस है, वो कह रहे हैं कि इस बार खाट खड़ी होने वाली है भाजपा की, हरियाणा के अंदर लोगों में बड़ी नाराजगी है भाजपा को लेकर। देखिए, जब टिकटें बटी नाराजगी थी, लेकिन भाजपा का जो समर्थक है वो भाजपा से दूर नहीं जा सकता, एक परिवार है। देखो, परिवार में भी 2 आदमी रहते हैं तो खटपट होती है, लेकिन भाजपा के जो भी समर्थक थे आज भाजपा के साथ पूरे जोर के साथ वो भाजपा के साथ लग चुके हैं और खाट तो हुड्डा जी की पहले ही खड़ी हो चुकी है। 24 उनके बड़े बड़े नेता, देखिए जो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़े गया उसने किसी ने भी एक पर्चा नहीं भरा, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें लगभग 24 लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया था। वो किसकी वोट काटेंगे? वो कांग्रेस की वोट काटेंगे, कांग्रेस की खाट तो पहले से खड़ी हो गई है। हम निश्चित तौर पर फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं जी।
राहुल गांधी हरियाणा के एक खेत में आए थे अभी कुछ महीनों पहले, और वो खेत में भी चले, फिर उनकी माताजी उन महिलाओं को अपने घर पर ले गई दिल्ली और वहाँ पे उनको भोजन कराया। तो राहुल गांधी का कितना असर है लोगों में? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जब राहुल जी कभी स्टेज से किसी का हाथ पटक देते हैं, देखिए कभी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ थी, लेकिन जो आम आदमी का सम्मान, एक मजदूर का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, अभी दो दिन पहले एक हमारे नवदीप जी थे जो भाला फेंक कर आए, तो उनकी जो वीडियो आप देखेंगे तो दिल को छू जाती है। मोदी जी नीचे बैठे गए भी, उन्होंने कहा मुझे कैप पहनानी है, मोदी जी नीचे बैठ गए। इतना सरल आदमी कहाँ से मिलेगा? और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अभी यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तो सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चे किस तरह से झंडा लेकर, हिंदुस्तान के नहीं, आसपास के पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वो हिंदुस्तान का झंडा लेके आए और उनको कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारे देश के लिए कितनी गर्व की बात है। क्या लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की 3-4 यहाँ पे रैलियाँ होनी है तो कितना माहौल बदल जाएगा पूरे हरियाणा का? देखिए, हरियाणा का माहौल तो पहले ही बदल चुका है और आज एक तरफा माहौल होने जा रहा है। मोदी जी को सुनने के लिए पूरे हरियाणा से लोग आ रहे हैं जी। ये कह रहे हैं पूरा माहौल एक तरफा कर देंगे हम मोदी। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ है वो सबसे अलग है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जितना भी परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, पूरे भारत में सबसे बड़ा हमारा परिवार है, और हर हमारा जो परिवार का सदस्य है ईमानदार और निष्ठा से काम करता है। आपने देखा होगा 10 साल में किसी मुख्यमंत्री का, MLA का, मंत्री का, किसी का ये बच्चा अगर नौकरी लगा है तो अपने काबिलियत से लगा है, नहीं तो 36 बरादरी के बच्चे जिन्होंने धरातल पर उतरकर अपनी मेहनत की जी और पढ़ाई में अव्वल थे, वही बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगे हैं। क्या कांग्रेस में बिना पर्ची बिना खर्ची बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती थी? पहले क्या होता था, या तो MLA का बच्चा या कोई DC का बच्चा या मंत्री का या किसी के पास 15-20 किले बेचने के लिए होते थे जी। उसी का बच्चा नौकरी लगता था और वो भी एक शहर का लगता था जी। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 36 बरादरी को और जितना हरियाणा एक हरियाणवी एक किनारा दिया जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जैसे करनाल में CM सिटी थी, हमारी कई बार बैठक हुई, मजी आपकी CM सिटी है, यहाँ कुछ ज़्यादा पैसा दो, कुछ ज़्यादा काम कराओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं 22 के 22 जिलों में बराबर का काम कराऊंगा और मेरा तो पूरा परिवार है, पूरा हरियाणा परिवार है, ये बहुत बड़ी बात है। उसी की नीति आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुड्डा जी ने सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम करा है? हुड्डा जी ने एक क्षेत्र में काम किया है और एक तरफा ये काम किया है, विशेष जाति का ध्यान रखा है जी। हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने और जो अब नए हमारे मुख्यमंत्री जी आए नायब सिंह जी, इन्होंने 36 बरादरी का काम किया है और सभी हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता लगाओ या XYZ कोई भी हरियाणा का जो भी निवासी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से खुश है। हरियाणा में क्या होने वाला, क्या लगता है आपको? हरियाणा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार हमारा परचम ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत माता, जय हिंद। क्या नाम है भाई आप? गौरव जी। गौरव। गौरव, तो गौरव भाई क्या लगता है, जैसे आप नौजवान हैं, युवक हैं, तो क्या सोच समझकर वोट करते हैं, घर वाले बताते हैं या खुद से डालते हैं आप? नहीं सर, अपने मन से ही डालते हैं और BJP अच्छा काम करती है, अच्छा कार्य करती है। क्या अच्छा लगा आपको, जो सबसे बढ़िया लगता हो कि हाँ भाई ये काम भाजपा ने सबसे बढ़िया किया? सबसे अच्छा काम तो ये है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियाँ मिलती है, हर युवा को नौकरी मिलती है। हाँ जी, हर युवा को नौकरी मिलती है। कोई भेदभाव कोई ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी को, जाति के लिए? बिल्कुल, छत्तीस राज्यों को एक समान रखते हैं, एक छत के नीचे काम करते हैं। क्या लगता है इस बार हरियाणा में सरकार बन पाएगी कि नहीं सर? हरियाणा में सर बहुत अच्छा माहौल है BJP का और एक तरफा सरकार बनेगी। इनका कहना है कि एक तरफा भाजपा की सरकार बनेगी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।